अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप ठीक होंगी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे खड़े मसालों का कीमा। अपने मदर इन लॉ की स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं बीफ ले रही हूँ 1.5 किलो, आप मटन के भी ले सकते हो। अच्छा, 2 से 3 टमाटर इस तरह काटने हम लोगों ने स्लाइस में, और प्याज को भी ऐसे ही काटेंगे। अभी बनाना शुरू करते हैं। 1 चम्मच ऑयल लेंगे, उसमें 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 प्याज वो भी स्लाइस काटेंगे, 3 से 4 टमाटर बड़े बड़े स्लाइस काटेंगे, सूखी हुई मिर्ची 5 से 6, 8 से 10 काली मिर्ची ली है, ये बड़ी इलायची 1 डालेंगे, ये दालचीनी डालेंगे, और ये लौंग, ये भी उसी तरह 4 से 5 लौंग ले रही हूँ। स्पाइसेस शामिल करेंगे, नमक हसबी ज़रूरत, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्ची 1 चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 से 2 चम्मच, चिली फ्लेक्स ये 1 चम्मच के करीब ये डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, अच्छा ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट 1 से 2 चम्मच डालेंगे। बड़े का कीमा है तो इसमें ज़्यादा डलता है। अभी इसमें कीमे शामिल करेंगे अपने। एक गिलास हो गए, 3 गिलास, 2 से 3 गिलास पानी शामिल करके अभी इसको पकाएंगे 30 मिनट के लिए। कीमे को 30 मिनट हो गए, अभी इसको देखते हैं, पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया, अभी इसको और भी ड्राई करेंगे, इसको अच्छी तरह भी भूनेंगे, थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया, थोड़ा सा और ड्राई करेंगे। 4 लहसुन की कलियां इसको मैंने चॉप करी, और अदरक के टुकड़ों को इस तरह लंबे स्लाइस में अभी ये ऐड करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसकी बुनाई बाकी है, और ये हरी मिर्ची 1 से 1.5 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा शामिल करेंगे, इसको पानी को हम लोगों ने ड्राई करना है अच्छी तरीके से। पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो 20 मिनट तक और रखते हैं, इसको फिर चेक करते हैं, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया हमारा। खड़े मसालों का कीमा हमारा बन गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, बहुत पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। कल मिलूंगे नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।